सुनो, दिस इज थ्री मिल्क पाउडर कुकर बिट। तो कुकर बिट कौन सा होता है? तो कुकर बिट जो होता है वो लौकी का पेड़ होता है। ठीक, तो यहाँ ये बता रहे हैं कि लौकी के पेड़ में जो पाउडरी मिल्डिव डिसीज होता है, पाउडरी मिल्डिव डिसीज क्या होता है आपको अच्छे से पता है कि जैसे कि पत्ती है तो इस एस पॉटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं वही डाउनली होता। तो क्या होता कि पत्ती के नीचे पे बनता, और पाउडरी मिल्डे में क्या होता है कि पत्ती जो होती है उसके ऊपर वाली सतह पे क्या होता है, जो अपर सरफेस होता है लीफ के अपर सरफेस पे एक कॉटन का कॉटनी तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, उसी को बोलते हैं पाउडरी मिल्डे। तो पाउडरी मिल्डे ऑफ कुकर बिट की हम बात करें तो इसका पैथोजन कौन है? स्पैरोथिका फुलगिनिया। ठीक, स्पैरोथिका फुलगिनिया और किसमें होता है? होता है लौकी गार्ड, लौकी गार्ड मतलब होता है कि में ये होती है। ठीक, अब सिम्टम्स की हम बात करते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं कि क्या होता है कि जैसे पत्ती है लौकी की, ये पत्ती है तो लौकी की जो ये पत्ती होता है, तो इसमें क्या होता है लौकी के पत्ती में कि जो सिम्टम्स है इसमें स्पॉट रहते हैं। ठीक, और जब स्पॉट से बन तो इसका मतलब क्या होता है कि जब स्पॉट बन गया तो इसका मतलब है वो लीफ कर चुका है। ओके, नेक्स्ट चीज हम ये देखते हैं कि साथ ही साथ वो क्या होता है कि जब एंट्री कर लेता है पत्ती पे लग जाता है तो पूरा एक कॉटन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है पत्ती के ऊपर। आपने कभी ध्यान से देखा होगा जैसे कि आम की पत्ती पर आपने देखा होगा कि क्या होता है कि कुछ सफेद सफेद सा लग जाता है उसके ऊपर, या फिर उसके नीचे की तरफ लग जाता है। जब नीचे की तरफ लगता है तो आप समझो वो डाउनरी मिल्डिव है, ऊपर की तरफ लगता है तो पाउडरी मिल्डिव है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब वो नीचे नीचे लगे या फिर ऊपर लगे तो इसका मतलब ये होता है कि जो पैथोजन है वो होस्ट के अंदर जाके अपना क्या कहते हैं सेल्स बनाना शुरू कर दिया है। ठीक, उसके बाद साथ ही साथ क्या होता है कि जब वो लग गया है तो धीरे धीरे वो क्या करता है कि वो वहां पे जब एंट्री कर चुका है तो धीरे धीरे वो जो सेल्स होती हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देगा। अब जब सेल्स को ब्लॉक कर देगा तो क्या होगा कि जो सेल्स हैं वो ना फोटोसिंथेसिस कर पाएंगी, ना ही क्या कहते हैं वो फोटोसिंथेसिस के साथ साथ आगे बढ़ पाएंगी। जब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, आपको अच्छे से पता है जब फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा तो क्या होगा कि वो वहां के क्लोरोफिल हो जाएंगे, क्लोरोफिल डेथ होने की वजह से क्या होगी पत्ती अपने आप सूख के झड़ जाए। ओके, तो यही होता है। और सबसे बड़ी चीज किसमें यह कहते हैं कौन से कहते हैं फंगस आप इस, तो ये क्लेस्ट्रोथिका जो होता है ना, क्लेस्ट्रोथिका होता है ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ फंगस। ठीक, तो जो क्लेस्ट्रोथिका होता है ये क्या करता है कि वहां पे जाके बैठता है। तो आप कि पत्ती जो होती है कैसे डिजीज हमको पता चलता है, जैसे कि लीफ है, लीफ में स्पॉट्स बन जाते हैं। ठीक, इसका मतलब ये है कि इधर बनेंगे तो लीफ के जो ऊपर वाला सरफेस है उसमें स्पॉट बनेगा। तो जब स्पॉट बनेगा तो इससे हमको ये क्लियर पाया हो जाएगा कि जो डिसीज है मतलब जो पैथोजन है वो होस्ट में इंटर कर चुका है। ठीक, और जब इंटर कर लेगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके वहां के जो सेल्स है उनको ब्लॉक कर देगा। जब वहां के सेल्स को ब्लॉक कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जो प्लांट है वो उतने एरिया में सूख जाएगा और सूख के फिर वो गिर जाएगा। ठीक, और फिर एक थे सब और एक चीज क्या जानो कि कौन सा फंगस है, कौन सा फंगस मतलब जैसे कि हम अभी तक पढ़ते हैं ना कि टेरिडोस्पोर एस्कोस्पोर ये सब पढ़ते हैं, तो सेम उसी तरह कौन सा एक फंगस है जो इसमें लगता है, तो वो है क्लेस्ट्रोथिका। ठीक, जो क्लेस्ट्रोथिका है यही क्या करते हैं पाउडर वाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर वहां पे क्रिएट करता है। ठीक, ये क्या करता है जैसे कि क्लेस्ट्रोथिका जो होता है कि
व्हाइट पाउडर लाइक स्ट्रक्चर से, कि आप कोनिडिया पढ़ते हो कि कोनिडिया है, कोनिडियो फोर बनाया है, फिर आप पढ़ते हो टेलेटो स्पोर है, ठीक है, यूडो स्पोर है, स्पोर है, बेसिडो स्पोर है। तो सेम उसी तरह जो क्लेस्ट्रो थीका होता है, जो क्लेस्ट्रो थीका होता है, ये क्या करता है, यही क्या करते हैं, पाउडरी मिल्डिव को खाता है। ठीक, होस्ट पैथोजन सेल्फ रिलेशन, हम इस नाम से बहुत ज्यादा ही फैमिलियर हैं, कि जहां हम सुनते हैं या फिर हम लिखते हैं होस्ट पैथोजन के रिलेशनशिप को, इसके साफ मतलब ये होता है कि ये कहना चाहता है कि जो सेल्स हैं इसके अंदर, इस तरह से जो पैथोजन होगा वो क्या करेगा, फैल जाएगा। ठीक, तो ये जो सेल्स है, प्लांट के जो सेल्स है, इसके अंदर जब पैथोजन पूरी तरह से अपने हाइफन को फैला लेगा, ठीक, जब हाइफन को फैला लेंगे तो फिर क्या होगा, हाइफन क्या है, मतलब हाइफा जो होता है ना, उसको मतलब सिंगल बोलो तो हाइफा ही है, तो जो हाइफन फैला लेगा पूरी तरह से, तो इसी को बोलते हैं रिलेशनशिप। और हमारा जो ऑब्लिगेट एक्टोपैरासाइट इस तरह का पैथोजन होता है कि जब तक जो प्लांट है उसके पूरी तरह से न्यूट्रिशन ना अब्सॉर्ब कर ले, तरह से है, वो उस प्लांट को नहीं छोड़ता है। ठीक, इस पैरासाइट की ये खासियत होती है। साथ ही साथ हम रिलेशनशिप की बात करें तो क्या होता है कि जो पैथोजन वो होस्ट के सेल्स में जाता है, और सेल्स में जाने के बाद वहां से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, एब्जॉर्ब नरिशमेंट मतलब ये होता है, नरिश करना मतलब क्या होता है कि पालना पोषना, तो फिर क्या कहते हैं, उसी तरह से न्यूट्रिशन लेगा तभी तो अपने को मतलब वो अपने को बढ़ाएगा, पालना पोषना अपना स्टार्ट करता है। और फिर क्या करता है कि सेप्टेट यूनिसेलुलर माइसलेट, सेप्टेट यूनि इस तरह से क्या करता है, माइसिलियम ये बनाना शुरू कर देता है एक सिंगल ब्रांच में, तो इस तरह से अपने को बढ़ाता है। अब ये क्या है, आपका ये हाइफा है, यहाँ पे आपके सेल्स हैं, यहाँ पे हॉस्टीडिया बन गया, और ये जब खूब सारे जो हाइफन है खूब सारे एक साथ जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं माइसीलियम। इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप, इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट द इन्वायरमेंटल कंडीशन इट नीड्स। ठीक, कहने का मतलब है, बताता है कि इसको किस का इन्वायरमेंटल कंडीशन जो तो स्वभाव, से पहले ये क्या कहता है कि इसको मॉइस्चर आप दे दीजिए, मतलब मौसम मिल जाएगा, तो इस बॉडी मिल्डिव और लिए ये मौसम बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, मतलब इस मौसम में नमी की बीमारी जल्दी होती है। तो आप बेसिकली अभी तक क्या हम जितना पढ़े हैं तो देखा है कि वो हमेशा उनको या तो वेट वेदर चाहिए होता है, या तो रेन चाहिए होता है, अदरवाइज उनको मॉइस्चर ही चाहिए होता है। ठीक, तो जब ये कंडीशन आ जाती है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो डिसीज है वो बहुत ज्यादा तेज फैलती है। फेवर बाय ड्राई कंडीशन, एक और चीज में है कि जब ये ड्राई कंडीशन, कहने का ये मतलब है कि जब फर्स्ट इंफेक्शन होता है वो किस में होता है, जब थोड़ा सा वातावरण गर्म होता है, ड्राई होता है, तब होता है। अब आप खुद बताओ, लौकी का पेड़ कब होता है, लौकी का पेड़ मई जून में होता है ना, मई जून में शुरुआत होती है, ठंडी में आपको लौकी कहाँ मिलती है, आपको गर्मी में लौकी मिलती है ना, गर्मी में बारिश में मौसम मिलती है लौकी। तो इसमें क्या होता है कि इस समय जैसे कि आपका इस समय टेम्परेचर देखो थोड़ा सा बाहर का, तो इस समय टेम्परेचर थोड़ा सा ही मॉइस्चर्ड है, मतलब नमी है। ठीक, साथ ही साथ 3-4 दिन पहले तो क्या था, बहुत ही ज्यादा ड्राई था, जब ड्राई आता है तो उस समय पहला इन्फेक्शन शुरू लग होता है, और जब दूसरा इन्फेक्शन कब होता है, दूसरा इन्फेक्शन तब होता है कि जब मौसम आपका जो है होते हैं मॉइस्चर्ड होता है, मतलब नमी वाला मौसम हो जाता है, तब वो दूसरा इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक, ये इनका रिलेशन। डिसीज साइकिल की हम बात करें तो डिसीज साइकिल में हम ये देखते हैं कि किस तरह से कहते हैं डिसीज फैक्टर कहता है कि पहला इंक्लूशन क्या है, दूसरा इंक्लूशन क्या है।
इंक्लेशन शब्द से समझते हैं, तो जो इंक्लेशन शब्द होता है इसे कहने मतलब है कि फर्स्ट एंट्री, और सेकंड इंक्लेशन मतलब होता है सेकंड एंट्री। इंक्लेशन मतलब होता है एंट्री, पेनिट्रेट ना, पेनिट्रेट मतलब होता है अंदर की तरफ जाना। ठीक। सर्वाइव ऑन वाइड रेंज कोलेटरल होस्ट एंड प्रोड्यूस कोनिडिया और कोनिडियो। कह रहा है कि क्लस्टर थीका तो है, ठीक है वो अपनी जगह ठीक है। फिर ये कह रहा है कि पैथोजन क्या है कि बहुत बड़ी मात्रा में क्या करता है, जो ये पत्ती है, इस पत्ती के अंदर मतलब ये लीव है, हमारा होस्ट है, ये होस्ट के अंदर पैथोजन जाएगा और बहुत बड़ी मात्रा में सिंगल सेपरेट माइसीलियम क्या कहते हैं वो बनाना शुरू करेगा। सेल्स में जब वो माइसीलियम बनाना शुरू करेगा, यहाँ सेल से यहाँ जब ये शुरू करेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में बनाता है। उस समय क्या करेगा कि पाउडरी मिल्डिव है तो कोनिडियोफोर, जो कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर क्या होता है जिसमें कोनिडिया स्टैंड करते हैं, ये बेस होता है कोनिडियोफोर, इसके ऊपर खूब सारे कोनिडिया ये बनाना शुरू करेगा। अब जब ये कोनिडिया बनाना शुरू किया, ठीक, तो फिर क्या होगा कि मानो हवा चले, ठीक, हवा चलेगी तो आपको चीज पता है कुनिडिया बना हुआ है, हवा चलेगी तो क्या होगा कि वो फैलेगा, मतलब उड़ के उड़ेगा वो, तो जब हवा चलेगी तो वो फैलेगा। देखो विंड हुआ तो डिसमिनेशन मतलब होता है ट्रांसफर होना, फैलना, वो फैलता है। फैलने के बाद क्या, जैसे कि धूल मिट्टी, जब आप देखो हवा चलती है खूब तेज, धूल मिट्टी जो होती है एक साइड से दूसरी साइड जाती है, सेम उसी तरह क्या होता है कि जो कुनिडियाज होती हैं वो उड़ के दूसरी ब्रांचेस पे जाएंगे, दूसरे लीव्स पे जाएंगे, दूसरे पेड़ों पे जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि पूरी पेड़ में, उसमें तो ठीक है, उसके आजू बाजू वाले पेड़ में भी क्या होता है कि इस तरह से डिसीज फैल जाती है और हमारा जो पूरी फसल होती है, फिर हमारा जो पूरा पेड़ होता है वो खराब हो जाता है। ठीक। थोड़ा प्रोसीजर की हम बात करें तो प्रोसीजर हम क्या देखते हैं कि आप समझिए, पहला इंकुलेशन है, यहाँ से ये जो स्टेप वन है, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर, स्टेप फाइव, और ये लगातार कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक। स्टेप वन में क्या देखते हैं कि समझिए क्या है, फर्स्ट इंक्लेशन है। फर्स्ट इंक्लेशन क्या, जैसे कि हमारे ये पेड़ था, इस पेड़ में हमारा क्या कुनिडिया बना। अब जब ये कुनिडिया बना तो ये कुनिडिया क्या हुआ कि विंड हुआ, हवा चली, हवा चलने के बाद क्या हुआ कि कुनिडिया जो है इतने ज्यादा हल्के होते हैं ना, इतने ज्यादा हल्के जिसका हद नहीं है। तो क्या कहते हैं, इतने ये हवा चली, हवा चलने के बाद ये दूसरे ब्रांचेस में जाके बैठ गए, दूसरे पत्ती में बैठ गए। अब जब यहाँ पे पत्ती में बैठ गए तो क्या होगा कि इसके सेल्स के अंदर जाएंगे और वहां जाने के बाद ये सेप्टेट, ए सेप्टेट माइसिलियम होता है ना, ये सेप्टेट जो माइसिलियम होता है सिंगल यूनिक्लेयर, मतलब एक सिंगल सेप्टेट माइसिलियम बनाएंगे और सेल्स के अंदर क्या होंगे, ये फैल जाएंगे। उसके अंदर फैल जाएंगे तो फिर क्या करेंगे, फिर से एक कुनिडिया बनाएंगे। जब ये फिर से कुनिडिया उस सेल में पत्ती में जाके कुनिडिया बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड इंकुलेशन। ठीक। अब जब कुनिडिया बनाएंगे सेम वही प्रोसेस चलेगा कि वहां फिर से वो फैलने का काम करेंगे, फिर से फैलेंगे, फिर से विंड चलेगा, दूसरे पेड़ पे जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं पहला मतलब वो होता है कि जब आना, जैसे कि हम देखते थे कि सॉइल बॉर्न डिसीज होता था कि मिट्टी से पेड़ में गया, ये पहला होता था। फिर पेड़ में जाने के बाद फिर वहां पे रिप्रोड्यूस हुआ, अपने को रिप्रोड्यूस किया, जब वो रिप्रोड्यूस करके नया बनाता है तो उसको बोलते हैं सेकंड। लाइक जैसे कि हमारे पेरेंट हैं, तो हमारे पेरेंट हमारे लिए क्या है, फर्स्ट इंकुलेशन है। अब जब हमसे हम पेरेंट बनेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सेकंड इंकुलेशन कहलाएंगे। ठीक। सेम उसी तरह क्या हुआ कि जब कुनिडिया पेड़ में गया तो पहला इंकुलेशन था, और जब पेड़ में जाने के बाद उसने कुनिडिया बनाया तो वो क्या है, सेकंड इंकुलेशन। ओके। कुनिडिया आर प्रोड्यूस ऑन कुनिडियोफोर, स्वाभाविक सी बात है क्योंकि कुनिडियोफोर जो होता है वो बेस होता है, कुनिडियोफोर से ही कुनिडियाज बनते हैं, जैसे कि कुनिडियोफोर इस तरह से ही होता है। ठीक। ये बेस होता है, इसी के ऊपर कुनिडियाज इस तरह से बनना शुरू होते हैं। और एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके। और इसके बाद कह रहा है देन कुनिडिया एक्ट एज सेकंड इंकुलेशन, कहने का यह मतलब है कि जब दूसरे लीफ में, जैसे कि हमने बात की, जैसे कि लीफ है हमारी, ठीक, ये हमारी लीफ है, ये जब इसमें आया, यहाँ पे लगा, तो क्या वो फर्स्ट इंकुलेशन। और जब लीफ में जाके ये सेल्स के अंदर बैठ के दूसरा कुनिडिया फॉर्मेशन किया तो वो क्या कहलाएगा, सेकंड इंकुलेशन। ठीक।
बाद ये क्या करता है कि उसी तरह से कुड़िया दूसरा पत्ती बनाया, दूसरे पेड़ बना। अब जब दूसरी पत्ती में बना, क्या कहते हैं, वहां पे रिप्रोडक्शन हुआ, जब किसी पत्ती में जाकर वो रिप्रोडक्शन करता है, तो उसका मतलब ये है कि वो क्या कर रहा है, सेकंड इंक्रेशन कर रहा है। और इससे फिर क्या होगा कि जब विंड चलेगी तो कोरिडियाज हैं, या फिर विंड चले या फिर ड्राई मौसम हुआ, मतलब ड्राई मौसम हो गया ये बात, क्योंकि जब ड्राई मौसम हो गया तो हवा चलेगी, बहुत तेज फैलेगा, और जब गीला मौसम हो गया तो पानी के जरिए फैलेगा। ठीक, क्योंकि वेट कैसे हो, तो वेट में अगर जब गीला मौसम हो जाएगा तो वो जरिए पानी फैलेगा, और जब सूखा मौसम हो जाएगा तो क्या होगा कि वो विंड के जरिए फैलेगा। एक चीज और याद करो, दूसरी चीज ये है कि सेकंड इंक्लेशन कब चलता है, जब रिप्रोडक्शन वाला कब होता है, जब मॉइस्चर बहुत ज्यादा होती है, जब मौसम में नमी बहुत होती है, तो सेकंड वाला प्रोसेस चलता है। पहला प्रोसेस कब चलता है, जब मॉइस्चर, हमारा जो मौसम है बहुत सूखा हुआ होता है, तब पहला प्रोसेस चलता है। ठीक, इसको हम यहाँ तक कि विंड बॉर्न डिसीज भी कहते हैं। विंड बॉर्न डिसीज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो फैलाव होता है अधिकतर किस वजह से होता है। ठीक, बारिश और उसकी वजह से बहुत कम होता है, इसका फैलाव हवा की वजह से ही ज्यादा होता है, इसलिए विंड बॉर्न डिसीज कहते हैं। जिस डिसीज की वजह, जहाँ पे जब फर्स्ट इंक्लेशन जिसकी वजह से हो, मतलब डिसीज ट्रांसफर, जैसे कि कोनिडिया तो बन के रखा गया, ठीक है, लेकिन जब वो उड़ के दूसरे पेड़ पे जाए, जिस कारण, जिस वजह से जाए, या तो मिट्टी से जाए, या तो हवा से जाए, या तो बारिश हो जाए, जब पहला इंक्लेशन किसी भी पेड़ में बनाए, तो उसको उसी डिसीज के नाम से जाना जाता है, जिस तरह से इसको विंड बॉर्न डिसीज कहते हैं। क्योंकि जो पहला इंक्लेशन बनाता है, पहला इंक्लेशन मतलब किसी पेड़ पे पहले उड़ के जाता है, तो उसको बोलते हैं विंड बॉर्न डिसीज। ठीक, कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंट्रोल हम ये करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा कोलेटरल होस्ट है उसको हम देखेंगे, मतलब कोलेटरल होस्ट कौन, हमारा लौकी का पेड़, ठीक है, तो कुकरबिट जो पेड़ है उसको हम ये देखेंगे। पहली बात आप उसको देखते रहिए, पेस्टिसाइड जो आपके फंगिसाइड्स हैं आप उनको वो कर दीजिए, उसमें फंगिसाइड छिड़क दीजिए। फिर हाई रेजिस्टेंस वैरायटी के पेड़ यूज कीजिए, हाई रेजिस्टेंस वैरायटी मतलब जिनके अंदर ऑलरेडी प्रतिरोधक क्षमता मौजूद हो, ऐसे पेड़ों का आप यूज कीजिए। साथ ही साथ आप क्या कहते हैं, अगर कोई पेड़ खराब हो रहा है, आपने देख लिया कि मानो ये लीफ है, ये पेड़ की लीफ है, ये खराब हो रही है, तो आप डियर उस पेड़ की लीफ को तुरंत उठाओ और काट दो, इससे क्या होगा कि वो बाकी पेड़ों में नहीं फैल पाएगा। ठीक, तो टोटल हम क्या देखते हैं, टोटल हम ये देखते हैं कि जो डिजीज है पाउडरी मिल्डो का कुकरबिट किसकी वजह से होता है, स्पैरोथिका की वजह से होता है। ठीक, किसमें होता है, तो लौकी के पेड़ में होता है। सिम्टम्स कैसे देखते हैं, तो सिम्टम्स हम ये देखते हैं कि जो पत्ती होती है उसके तरफ से क्या होता है, कॉटनी लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, और कॉटनी लाइक स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे वो पूरी सेल्स को ब्लॉक कर देता है। ओके, सेल्स को ब्लॉक करने के बाद हम रिलेशनशिप की बात करें, तो हम देखते हैं कि ये क्या करता है कि जब सेल्स को ब्लॉक कर दे, इसका मतलब ये है कि जो पैथोजन है वो होस्ट के अंदर जाके पूरा जो सेप्टेट सेप्टेट माइसीलियम है, सिंगल सेप्टेट माइसीलियम, उसको फैला लेता है, और वहां पे कोनिडियाज बनाना शुरू करता है। भी कैसा चाहिए, तो जब ये सूखा मौसम होगा, ड्राई मौसम होगा, ड्राई कंडीशन होगा, तो उस समय क्या करेगा, फर्स्ट इंक्लेशन करेगा, और जब मॉइस्चर वाला मौसम होगा तो उस समय वो सेकंड इंक्लेशन करेगा। तो इसके कहने का ये मतलब है कि उसको मॉइस्चर साथ ही साथ ड्राई कंडीशन, ये दोनों कंडीशन चाहिए, तब ये डिसीज लग जाती है। डिसीज साइकिल में हम क्या देखते हैं, डिसीज साइकिल में हम ये देखते हैं कि मानो ये पेड़ में लगा हुआ है, हवा चली, हवा चलने के बाद ये जो कुनिडियाज हैं दूसरे पेड़ में गए, जब दूसरे पत्ती पे गए, उस पत्ती पे जाने के बाद ये फिर से क्या कहते हैं, कोनिडियाज बनाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कोनिडिया बनाते हैं, पूरे अपने हाइफन को फैला देंगे, और फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, फिर कोनिडियाज बनेगा। जब कोनिडियाज वहां जाके बनते हैं, इसको बोलते हैं हम सेकेंड इंकुलेशन। ठीक, तो वो जब कोनिडिया बन गया, सेकेंड इंकुलेशन हो गया, फिर से हवा चली, हवा चलने के बाद क्या होगा कि फिर से वो डिसीज फैलेगा। इस वजह से, हवा की वजह से डिसीज फैल रहा है, फर्स्ट इंक्लेशन हो रहा है, इसलिए इस डिसीज को हम बोलते हैं विंड बॉर्न डिसीज। ओके, कंट्रोल करने की बातें करें, तो कंट्रोल करने से हम ये देखते हैं कि हम हमेशा रेजिस्टेंट वैरायटी का पेड़ यूज करें। इसका मतलब ये है कि ऐसे हम पेड़ों को उपयोग करें जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता काफी अच्छी हो। और उसके बाद फिर क्या करें कि हमारे जिस पत्ती में डिसीज लग गई, उस पत्ती को तुरंत हम कट करके हटा दें, पेड़ से अलग कर दें,
दूसरी सीजन, तीसरी सीजन क्या करेंगे? तीसरी सीजन ये देखेंगे कि हम मानो हटा दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फंगिसाइड्स या फिर लगाने के बाद ही हम फंगिसाइड्स को छिड़क दें, जिससे कि वो डिसीज, किसी तरह की डिसीज हमारे पेड़ में लगी ना पाए। ठीक,